हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं शाहदरा रामनगर के एरिए में, जहाँ कर समोसे हमारे इतने फेमस हैं कि भाई सभी ने आज तक हमसे कहा है, और आज हम भी आए हैं हम भी टेस्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आइए देखते हैं, आज टेस्ट करते हैं कि इन सर की दुकान पे क्या क्या टेस्ट में अच्छा है और क्या नहीं। हेलो सर। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? आशीष शर्मा। आशीष शर्मा, जो कि ये दुकान करीबन मेरे हिसाब से कितने टाइम तक पुरानी है ये? चौंतीस साल हो गए। 34 ईयर हो गए हैं शॉप को। और करीबन आज हम देखने वाले हैं कि ब्रेड और समोसे क्या क्या वैरायटी है ब्रेड और समोसे में आपकी। भैया ब्रेड हमारे पनीर वाले। अच्छा, और एक आलू के। आलू के मतलब नॉर्मल? हाँ जी। ठीक है, इनकी कॉस्ट क्या क्या है लगभग? भैया आलू का 15 रुपए का। अच्छा, पनीर का 20 रुपए। ठीक है, इस आलू की मतलब जो आपने पिट्ठी बना रखी है, इसके अंदर आपने क्या क्या डाला है? भैया एक तो उसमें गरम मसाला है, अपना खुद का बनाया हुआ, नमक है, मिर्च है, हल्दी है, अमचूर है, मेथी की चटनी है, अनारदाना पिसा हुआ है, और इसमें बहुत सारे अपने खुद के मसाले भी हैं, खड़े मसाले जैसे, वो सब पीस के जब बनाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए आज हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बनाया जा रहा है समोसा और एंड ब्रेड, जो कि एक नॉर्मल है और जो कि एक पनीर वाला भी है। तो आइए दोस्तों टेस्ट करते हैं कि इसे खाने के बाद में क्या स्वाद है, और कस्टमर जो यहाँ के हैं कि क्या कहते हैं इस स्वाद के बारे में। तो देखिए भाई साहब, समोसा बड़ा ही, ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे बस मुंह में पानी आने वाला है भाई। वास भाई, मजा आ गया भाई साहब आपके ब्रेड पकौड़े के अंदर, मजा आ रहा है बिल्कुल। अब तो टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा क्या मजा आता है और ज्यादा। तो भाई साहब, अब ये तैयार हो चुका है हमारा ब्रेड पकौड़ा, जो कि अब कढ़ाई के अंदर जाने वाला है बिल्कुल लेटेस्ट तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए, पनीर किस हिसाब से इसके अंदर डाला गया है। भाई साहब पनीर देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही पानी आ रहा है। अब देखते हैं इसे कढ़ाई में डालने के बाद में टेस्ट का आनंद उठाएंगे, फिर उसके बाद में पता लगेगा क्या टेस्ट है और क्या क्या है। अभी हमारे बन रहे हैं पनीर वाले समोसे, तो देखते हैं कैसे किस तरीके से। या भैया आपने क्या डाला इसमें? अभी पनीर डाला। पनीर डाला भैया ने, और देखिए पनीर का साइज भी बहुत अच्छा है। और अभी डाल रहे हैं भैया पिट्ठी आलू की। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा समोसा तैयार। ठीक है, अब डालेंगे भैया पिट्ठी और फिर ऊपर से एक छोटा सा पीस पनीर का। और ये देखिए भाई साहब, ऊपर नीचे पनीर दोनों तरफ, और बढ़िया समोसा हमारा हो गया है तैयार। ये देखिए भाई साहब, फ्रेंड्स हमारे समोसे हो गए हैं रेडी, और ये भी ये जा रहे हैं कढ़ाई के अंदर तैयार होने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों कैसे फ्राई होंगे ये, और फ्राई होने के बाद में खाने का टेस्ट क्या आता है क्या नहीं आता है। दोस्तों ये कढ़ाई में डल चुके हैं, और देखिए बिल्कुल गैस तेज हो चुकी है, और फटाफट से तैयार हो रहे हैं हमारे लेटेस्ट समोसे, जो कि पनीर वाले। ठीक है दोस्तों, फटाफट। तो चलिए, चलो दोस्तों वीडियो की मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद में हमारे समोसे रेडी हो रहे हैं। रेडी होने के बाद में हम फटाफट से टेस्ट करते हैं समोसों का टेस्ट कैसा है बनने के बाद में। अब और ये हमारी दोस्तों फ्रेंड माता जी हैं, और ये दुकान का पूरा कैप्चर है, और ये 30 साल पुरानी दुकान नाम से है, और चाचा दी हट्टी के नाम से भी ये दुकान काफ़ी फेमस है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समोसा रेडी हो चुका है, और आइए देखते हैं हम, अब इसके ऊपर जा रहा है हमारा ये सब्जी, और ये थोड़ी सी और सब्जी, और ये आपने क्या डाला इसके अंदर? मसाला डाला है इसके अंदर हमने, और इसके ऊपर आ रही है हमारी ये चटनी। किस चीज़ की चटनी है भैया? ये धनिया पुदीना की चटनी है, जिसके साथ में टेस्ट और भी ज़्यादा लाजवाब होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स आइए टेस्ट करते हैं हम इसके बाद में। अच्छा आपने ही क्या डाला इसके ऊपर, और क्या है? धनिया, हरा धनिया है इसके ऊपर। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसके ऊपर टेस्ट करते हैं इसके बाद कैसा है इसका टेस्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा समोसा एंड ब्रेड रेडी हो चुका है, अब हम इसे टेस्ट करने वाले हैं, और टेस्ट करने के साथ ही पता लगेगा कि हमारे को इसके अंदर स्वाद और कैसा क्वालिटी है सब्जी एंड ब्रेड की भी और समोसों की भी। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम ट्राई करते हैं ब्रेड पकौड़े को, और देखते हैं कि ब्रेड पकौड़े के अंदर क्या, कितना बड़ा पनीर और कैसे क्या हिसाब किताब है। तो दोस्तों भाई साहब
मजा आ गया है देखकर, इतना बड़ा पनीर, और मैं तो कहता हूँ भाई साहब बिल्कुल लाजवाब है। और आइए देखते हैं इतनी कम प्राइस में और इतना बढ़िया ब्रेड पकौड़ा जिसके अंदर चीज यानी कि पनीर पूरा भरा हुआ है अंदर तक, देखिए दोस्तों पूरा का पूरा ही लेटेस्ट। तो अब हम देखते हैं समोसे की क्वालिटी कैसी है। तो आइए दोस्तों समोसे की भी क्वालिटी ऐसी है बिल्कुल लाजवाब है, देखिए। अब हम इसे हम टेस्ट करने वाले हैं और ये बढ़िया तरीके से इतने कम पैसों में अगर स्वाद का आनंद लेना है ना, शॉप का नाम मैंने आपके सामने दिखा दिया है, रामनगर शाहदरा के अंदर शॉप है ये, और आके बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस समोसे का आनंद उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेस्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इस ब्रेड को भी ट्राई कर लेते हैं कि इस ब्रेड की क्वालिटी कैसी लग रही है और खाने में टेस्ट कैसा है। तो आइए फ्रेंड्स सुपर है भाई, बिल्कुल सुपर है, सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से। तो ऐसा ब्रेड और पकौड़ा इतने कम पैसों में और इतनी कम कॉस्ट में मैंने आज तक नहीं खाया है।